Hey, what's up guys? I'm Danish Khan here. और अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको बता दूं, जो Google है वो अपनी एक नई OS पे काम कर रहा है जिसका नाम होगा Fuchsia OS. अब Fuchsia OS और Android में जो मेजर डिफरेंस होगा वो होगा कर्नल का. जो अपना Android है वो Linux कर्नल पे काम करता है और जो Fuchsia OS होगी वो माइक्रो कर्नल पे काम करेगी. उस लिए ऐसा बताया जा रहा है कि जो Fuchsia OS है वही Android डिवाइस का भविष्य है. तो इसमें और जो मेजर डिफरेंस होगा वो होगा बैटरी का और परफॉर्मेंस का, क्योंकि जो माइक्रो कर्नल है वही एंड्रॉयड का भविष्य, ऐसा लोग बता रहे हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप उसका जो बेसिक इंटरफेस है वो आप अपने एंड्रॉयड पे टेस्ट कर सकते हो. उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के. उसका नाम है आर्माडिलो. इस बार इसको आपको नॉर्मली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है. इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही इसे ओपन करोगे तो इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस मिल जाएगा. यहाँ पे ये आपको मेन चीज़ बता देगा. ये कोई OS नहीं, अभी आप इसमें कुछ कर नहीं सकते. बस ये एक तरह का इंटरफेस टेस्ट करने के लिए कि इसका जो Fuchsia OS होगी उसका इंटरफेस किस तरह से होने वाला है. तो यहाँ पे आपको एक पिक मिल जाती है. यहाँ पे ऑफ कोर्स आपकी पिक होगी जब ये OS लॉन्च होगी. यहाँ पे आपको बैटरी बता देता है, वाईफाई नेटवर्क्स. यहाँ से आप वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो. यहाँ से ब्राइटनेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो. यहाँ पे एयरप्लेन मोड मिल जाता है. यहाँ पे ऑटो रोटेट मिल जाता है. यहाँ पे लॉग आउट और मोर. उसके बाद आपको यहाँ पे डे मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, माउंटेन व्यू. उसके बाद यहाँ पे आपको एक बैटरी का आइकन दिखता है छोटा सा. अगर आप नीचे से ऊपर को स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे कार्ड्स की शेप में कुछ मिल जाता है. ये अभी कुछ पक्का नहीं है यहाँ पे क्या होने वाला है. क्या पता है, यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है, जैसे आप मार्शमेलो या नोगट में राइट स्वाइप करते हो तो आपको ढेर सारे गूगल के कार्ड्स मिलते हैं, न्यूज़ मिलती है कार्ड्स के शेप में, शायद यहाँ पे वो हो. यहाँ पे आस्क फॉर एनीथिंग में अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गूगल का कीबोर्ड मिल जाता है. यहाँ पे अभी कुछ भी फंक्शनलिटी, जो स्वाइप की फंक्शनलिटी, वो अभी कुछ भी काम नहीं कर रही है. लेकिन जहाँ तक है, जब ये लॉन्च होगी तो उसमें ये फंक्शनलिटी होगी. दूसरी बात, अगर आप इसे डाउन की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको सारे जो कार्ड्स मिल जाते हैं ये बेसिकली ऐप्स होंगे जो कि कार्ड्स के शेप में होंगे. जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल. इस तरह से आपके सारे जो ऐप्स होंगे वो यहाँ पे कार्ड्स की शेप में होने वाले हैं. तो अभी बस ये इतना ही बेसिक इसका ये लॉन्च किया गया है कि आप इसे टेस्ट कर सको कि इस तरह का जो बेसिक उसका इंटरफेस होगा Fuchsia OS का वो होने वाला है. तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये इंटरफेस कैसा लगा. मेरे हिसाब से जो अभी के एंड्रॉयड का इंटरफेस है वो ज़्यादा बेस्ट है, वो ज़्यादा बेटर है. अब रीज़न अभी मुझसे पूछना मत, बस बेटर लगा मुझे. आप अपने तरफ से बताओ आपको कौन सा बेटर लगा. तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में. अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो मेरे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर आप नए हो, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ.